मैं डॉक्टर आशीष अवस्थी आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं रामस्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ के बॉयज हॉस्टल का चीफ वार्डन हूँ। इसके अलावा मैं वहाँ पे वेबसाइट हैंडलिंग और इसके अलावा कई और कार्यों में भी लगा रहता हूँ। देखिए, ट्यूटर्स ग्रुप चैनल के माध्यम से हम आपसे कुछ बातें कर रहे हैं। ये बातें बहुत ही जनरिक बातें हैं और सबसे पहला सवाल ये आता है कि आजकल के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए तो हर जगह कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर्स को क्यों लगाया जा रहा है। सबसे पहला सवाल छात्रों के मन में यही आता है कि मान लीजिए मैं मैनेजमेंट का कोर्स करता हूँ, मुझे कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैं मैकेनिकल कोर्स कर रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा हूँ, मुझे कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आज का जो वीडियो है वो मैं कंप्यूटर के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ कि क्यों उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ने, यानी जो टेक्निकल एजुकेशन है उत्तर प्रदेश का, उसने क्यों कंप्यूटर के कोई ना कोई सब्जेक्ट को या किसी ना किसी पार्ट को हर अपने रनिंग प्रोग्राम के अंदर क्यों ऐड कर रखा है। जैसे कि मैनेजमेंट हो तो उसने कंप्यूटर फॉर मैनेजमेंट ऐड कर रखा है। अगर आप देखिए तो बीटेक की हर ब्रांच में सेकेंड ईयर में उन्होंने दो कोर्सेस कंप्यूटर के ऐड कर रखे हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी है और दूसरा आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, ये क्यों सिविल का बच्चा पढ़ेगा, क्यों मैकेनिकल का बच्चा पढ़ेगा, क्यों इलेक्ट्रिकल का बच्चा पढ़ेगा, क्यों और किसी ब्रांच का जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है वो क्यों पढ़ेगा, उसको क्या आवश्यकता है। अगर उसको पढ़ना ही होता तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में नहीं जाता या आईटी ब्रांच में नहीं जाता। तो आज इन्हीं सारे सवालों का मैं एक जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई भी आपके मेरी बात करने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट लाइन में उससे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तत्परता से उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करें तो वो सिस्टम सिक्योरिटी के बारे में बात है। जैसे कि आपने देखा था कि हाल ही में भारत में नोटबंदी हुई, सब लोगों ने ये कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी। तो कुछ कमी तो हमारी नॉलेज में भी थी कि हमको ये चीजें ही नहीं मालूम थी कि क्या चीजें सिक्योर है क्या चीजें सिक्योर नहीं है। तो जो सिक्योरिटी है इसके बारे में हम आगे के वीडियोस के बारे में बात कर सकते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग क्यों यूज की जा रही है, सिविल इंजीनियर को क्या फायदा होगा, मैकेनिकल इंजीनियर को क्या फायदा होगा। अगर हम बात करें तो आजकल हम लोगों ने एक वर्ड सुना होगा स्मार्ट सिटी, या हमने स्मार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया, हमने स्मार्ट वेपन के बारे में बात सुना होगा, हम स्मार्ट व्हीकल के बारे में बात करते हैं, यहां तक के आप एक पीछे टीवी देख रहे हैं, हम आजकल स्मार्ट टीवी के बारे में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एसी भी हो वो स्मार्ट हो, तो स्मार्टनेस कैसे आएगी। इसके लिए हम इन सारे डिवाइसेस में कोई ना कोई सेंसर लगाते हैं। सेंसर केवल सेंस करते हैं, लेकिन इसको एक्चुएट करने के लिए, इससे कोई काम कराने के लिए हमको इसके लिए कोई ना कोई प्रोसेसिंग या कोडिंग की जरूरत है। आजकल आपने एक फील्ड देखी होगी आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी जो आपका इंटरनेट है वो केवल इंसानों के लिए नहीं इस्तेमाल होगा, वो कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल होगा जो आपके मशीन्स, यानी मशीन मशीन से बात करेगी और मशीन मशीन अपने आप निर्णय लेगी कि क्या काम हमें करना है। अब जैसे सिविल के बच्चे के बारे में बताऊं तो अगर मान लीजिए स्मार्ट इंजीनियरिंग है या स्मार्ट सीमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो सीमेंट एक ऐसा सीमेंट होगा जो बता देगा कि हमारे घर की स्ट्रेंथ क्या है, यानी घर हमारा कब कोलैप्स हो सकता है, या हमारे पास जो सरिया लगाई हैं हम लोगों ने ये कितनी इनकी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, जिससे समय रहते हुए हम किसी बड़ी विपदा को टाल सकते हैं। आपने आजकल देखा होगा मॉरिसन गैरेज यानी एमजी ने एक हेक्टर नाम की गाड़ी बनाई, ये इंटरनेट कनेक्टेड गाड़ी है, आप इसको लोकेशन बता देंगे ये आपके लोकेशन तक जाएगी, यानी ये टॉकिंग भी करती। तो इस तरह के अगर आप देखिए तो आजकल हेट्रोजीनियस परिपेक्ष में
हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर केवल कोडिंग के लिए नहीं यूज हो रहा, और पाइथन क्यों यूज हो रही है? पाइथन बहुत ही आसान और सरल लैंग्वेज है, हम जेनरिक इंग्लिश के टर्म्स को यूज करके उसमें कोडिंग कर सकते हैं। उसके लिए किसी हाईफाई सिंटैक्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर अगर आजकल देखिए तो आजकल हम कोरोना नाम की एक पैरा एपिडेमिक से गुजर रहे हैं। इस दौरान हम घर के अंदर हैं, हमारे यहाँ हम आपने देखा होगा छोटे से छोटे बच्चे को भी कंप्यूटर के ऊपर क्लासेस लेना सिखाया जा रहा है। तो कंप्यूटर की आवश्यकता अगर देखिए तो दैनिक कार्यों से लेके विशेषज्ञ कार्यों तक के, यानी विशेष कार्यों तक के हमको उसकी जरूरत पड़ रही है। इसलिए जो एलिमेंट्री नॉलेज है ये सबको आनी चाहिए। इसी वजह से एक AKTU या किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने इन सारे कोर्सेस को हमारे ऐड कर रखा है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको शायद कंप्यूटर के का यूज क्यों होता है, या हर सब्जेक्ट में कंप्यूटर्स को क्यों पढ़ाया जाता है, या हर ब्रांच में कंप्यूटर्स को क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आपका कुछ ये क्लियर हुई। आगे मैं आपसे अगले लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट बात करूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।